करंट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर दौरे पर गए हुए थे। उन्होंने वहां एक रैली को संबोधित किया और लगभग 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी शामिल हैं। बस यही बात पाकिस्तान को खटक गई है और पाकिस्तान ने पीएम के इस दौरे का भारी विरोध किया है। अब पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर भारत पाकिस्तान में आने वाली नदियों पर डैम बनाकर उसके पानी को रोक देगा तो पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हम लोग इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप में से कोई हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी डिस्कशन का आप पार्ट बन सके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रधानमंत्री के जम्मू और कश्मीर के दौरे पर। प्रधानमंत्री ने जम्मू में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और काफी कुछ लोगों की भलाई, उनके आगे बढ़ने और उनके विकास को लेकर कहा। डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। घाटी के नौजवान, आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। इन समय आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वह है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। प्रधानमंत्री ने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन डाला है, मतलब कि अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक 540 मेगावाट का खेवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जबकि दूसरा रतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये दोनों ही आपको जम्मू में मिलेंगे और चेनाब नदी पर बनेंगे। तकरीबन 10,000 करोड़ इन दोनों डैम्स का लागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भारत ये सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहा है तो इससे पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, पाकिस्तान ने आज तक अपने देश में कोई भी डैम नहीं बनाया है और काफ़ी समय पहले ही 2013-14 में ही भारत ने अनाउंस कर दिया था कि जम्मू से होकर गुजरने वाली इन नदियों पर भारत डैम बनाएगा, वो भी 50-60 के करीब। तभी से पाकिस्तान को इस बात की चिंता है कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान बार बार विरोध कर रहा है और कह रहा है कि भारत हमारे बीच हुए ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। आपको पता होगा 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान को इंडस, झेलम और चेनाब जैसी नदियों का पानी मिलना तय हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत इन नदियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। भारत डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर जैसे कामों के लिए इन नदियों का इस्तेमाल कर सकता है और इन पर जितना चाहे उतना हाइड्रो पावर प्लांट भी लगा सकता है। भारत ने हमेशा कहा है कि भारत ट्रीटी का सम्मान करता है और पाकिस्तान के हिस्से का पानी पाकिस्तान को मिल रहा है, या यूं कहें कि ज़्यादा ही मिल रहा है। अगर आप चेनाब नदी को देखेंगे तो जम्मू से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब में इंटर होती है, उसके बाद सिंध में जाकर इंडस में मिल जाती है। तो पाकिस्तान का पंजाब और सिंध दोनों ही चेनाब पर निर्भर है। चूँकि पाकिस्तान ने आज तक इन नदियों पर कोई डैम नहीं बनाया तो पानी को स्टोर ही नहीं कर पाए हैं। उनको ये डर है कि अगर भारत पानी रोक देता है तो उनके यहाँ लिटरली सूखा पड़ जाएगा, इसलिए वो भारत को बार बार ट्रीटी याद दिला रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी ने बहुत ही पहले इस बात को बता दिया था कि ये प्रोजेक्ट किसी भी प्रकार से ट्रीटी का वायलेशन नहीं करते हैं। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान जी के बीच में इंडस करार के रूप में प्रसिद्ध एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के अनुसार विशेष रूप से रवि, ब्यास और सतलज ये नदियों का पानी भारत को मिलेगा और उसके साथ साथ बाकी जो नदियां हैं जो भारत से निकलती है उसका पानी पाकिस्तान को मिलेगा। हमारे ये 3 नदियों का पानी जो भारत को मिलने वाला है उसमें हमारा हिस्सा जो था वो टोटल 33 मिलियन MF था। उसमें से अभी तक हमने 31 MF यूज किया है। अभी हमने तय किया है कि बाकी के भी पानी हम लोग भारत में उपयोग में लाएंगे और इसके लिए 3 डैम बनाने की हमने 3 योजनाएं तैयार की है, जिसको कैबिनेट की भी अभी अप्रूवल मिला है। एक शाहपुर कांडी, यहाँ हम लोग कश्मीर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका पानी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, पावर भी मिलेगी और एक्सेस वाटर पंजाब में हम लोग लेके जाएंगे। दूसरा उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसका भी हमने मंजूरी दी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है सेकंड रावी ब्यास लिंक बिलो उच। ये 3 प्रोजेक्ट होने के कारण ये पूरा पानी हम रोक कर हम निश्चित रूप से हमारे देश में पाकिस्तान को जो आ रहा था हमारे अधिकार का पानी, ये हम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को दे पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से ये जो एग्रीमेंट हुआ था तब अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो एग्रीमेंट में भाव था वो हमारे बीच में सद्भाव, प्रेम और समन्वय और सामंजस्य निर्माण हो, इसलिए ये एग्रीमेंट हुआ था।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े भाई के भूमिका में ये पानी हमने हमारे नदियों का उनको दिया था, पर पाकिस्तान ये सौहार्द भी गायब हो गया। ये हमारे बीच में जिस प्रकार की रिलेशनशिप आज हो रही है, विशेष रूप से आतंकवाद और आतंकवादियों को सपोर्ट करके, इस पूरे स्पिरिट को पाकिस्तान ने समाप्त कर दिया है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता में असंतोष है, क्षोभ है। लोगों ने भी मेरे पास भी मांग की है कि अब इनका एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे बीच कोई सद्भाव बचा ही नहीं है तो फिर हम लोग क्यों इस ट्रीटी को बचाए हुए हैं? बार बार पाकिस्तान कोई न कोई साजिश रचता ही रहता है। कितने सारे टेररिस्ट घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ रहा है। इतने सारे जंगों के बावजूद हम लोग इस ट्रीटी को क्यों बचाए हुए हैं? चलिए, अब चाहे जो भी हो, लेकिन भारत हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो भारत पूरी तरह से पानी को रोक करके पाकिस्तान की जनता को कभी भी भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। भारत की उदारता ही एक कारण है जो कि पाकिस्तान को उसके हक से कहीं ज़्यादा पानी मिलता आया है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो ये रहा हमारी इस वीडियो का अंत। यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।